अभी कम से कम 2-3 किलोमीटर है यार, और थकान लग जाएगी, और थकान लग जाएगी ना। और फिर अभी बैग भी है हमारे पास, गाड़ी तक भारी बाइक भी है हमारे पास, और एक बैग में किसका नाम लिखा हुआ भाई, हाँ तो ले लिया है बैग। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, सर सोनी नमस्कार पल्लव, मैं हूँ विक्रम रावत, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर स्मार्ट सिटी देहरादून में। और फिलहाल हम हैं वीरपुर, वीरपुर में आता है नहीं, ये वीरपुर में नहीं आती, वीरपुर से आगे है गड़ी, ये कैंट एरिया से आगे है, और इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है संतला देवी, और संतला देवी यहाँ से है चढ़ाई कम से कम 2-3 किलोमीटर। तो आज यहाँ से संतला देवी मंदिर है 2-3 किलोमीटर ऊपर, खड़ी चढ़ाई है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही भयंकर चढ़ाई है। और अभी टाइम हो चुका है 12:15 हो चुका है, शायद 12:30 हो गया होगा अभी। तो हम निकल चुके थे देहरादून से 11:30 बजे, तो हमें आते आते लग गया 1 से 1.5 घंटा लग ही गया, और एक घंटा आधा घंटा यहाँ से भी लगेगा, क्योंकि 2-3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, तो काफ़ी ज़्यादा सांस फूल रही है, क्योंकि इतनी चढ़ाई आजकल गर्मियों में बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी हम जा रहे हैं संतला देवी मंदिर में, आपको आज माता के दर्शन करवाते हैं, तो बने रहे मेरे साथ खेतेमाल से ब्लॉग में। तो आपको यहाँ का लोकेशन दिखाते, फिलहाल बहुत ही ठंडा है, काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे पूरा एकदम से पहाड़ वाली एरिया है, बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पे, काफ़ी ठंडा है, अच्छा सा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना लोकेशन बहुत ही प्यारा है, गजब का लोकेशन है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। और अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे, यहाँ से नीचे आपको दिखाते हैं नीचे का लोकेशन, काफ़ी भयंकर खाई दिख रही है यहाँ से, तो देखो वहाँ नीचे से आए हम, वहाँ नीचे से आए हम ऊपर, और अभी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अभी बाकी है। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं नेचुरल वाटरफॉल, बहुत ही प्यारा लग रहा है, अभी तो पानी कम आ रहा है इसमें, लेकिन सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपको दिखाऊंगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तर। अरे तो वहाँ नीचे से आए हम, वो दिख रहा है आपको नीचे जो गदेरा है यहाँ पर से, ये यहाँ पर से आए हम ऊपर, और देखो काफी ऊपर चढ़ाई पे आ चुके हैं, और अभी काफी तेज बारिश लगी है, देखो बारिश लगी है अभी बहुत। उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। तो गाइस आपको दिखाते हैं, ये नेचुरल कुआं है, और यहाँ पे बहुत ही आपको दिखाते हैं नेचुरल कुआं है, और आपको दिखाते हैं इसकी गहराई कितनी है, कितनी होगी इसकी गहराई, ये देखो आपको कुआं दिखाते हैं, नेचुरल कुआं है, और पानी देखो आप मीठी है पानी, ज़्यादा तो नहीं है। बहुत अच्छा भैया, बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या मांगा भगवान जी से, बोला भगवान मेरे से मांग दे दो, सच्ची गुड बॉय। हम पहुंच गए संतला देवी का जो मंदिर है उसके सामने, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे मंदिर से थोड़ा नीचे दूरी पे एक कुआं है जो शायद नेचुरल कुआं है, और ये कुआं शायद बहुत वर्षों पहले का कुआं है, और अभी भी यहाँ पे स्थापित है ये कुआं। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं यहाँ कैंट एरिया वालों ने बहुत ही अच्छा रास्ता बना रखा है, मतलब यात्री लोगों के लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था कर रखी है, और जगह जगह पर विश्राम घर बना रखे हैं बहुत ही जगह जगह, देखो पूरा, ये देखो पूरा ये रास्ते में लगा रखा है ताकि कोई भी यात्री लोग चलने में उन्हें दिक्कत ना हो, और रास्ते चढ़ाई, वैसे चढ़ाई काफ़ी है लेकिन जगह जगह पे काफ़ी अच्छा इन्होंने विश्राम गृह बना रखा है,
बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पे लगभग मंदिर आने ही वाला है, थोड़ी दूर है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं संतरा देवी मंदिर में, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं मेन प्रवेश द्वार दिखाते हैं। फाइनली पहुँच चुके हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं गर्मी से ना सच में बहुत ही बड़ा हाल हो गया यार। सकते हैं यह मंदिर भाई बहन का अटूट प्रेम का मंदिर भी है, तो इसलिए यहाँ पे राखी भी बांधते हैं लोग, तो मैंने भी यहाँ पे राखी बांधी है। तो दोस्तों संतरा देवी का जो मंदिर है वो लगभग देहरादून से है 15-16 किलोमीटर दूरी पे है, और ये यहाँ पे आप जो कैंट एरिया है कैंट से है इसको 2-3 किलोमीटर आगे है, और इस एरिया का नाम है गलजवाड़ी। यहाँ से ऊपर है 2-3 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, तो यहाँ से आपको पैदल जाना है। तो हम आके यहाँ पे रुक गए थे, यहाँ पे हमारा गाड़ी पार्क कर ली। यहाँ पे अच्छा सा होटल है, और इस होटल के सामने एक अच्छा सा पार्किंग है जिसका चार्ज क्या है कि 20 रुपये, और फिर हम यहाँ से फिर गए ऊपर प्रसाद वगैरह लेके। अगर आप इधर आओगे तो इस होटल में एक बार विजिट ज़रूर करना, क्योंकि ये होटल जो है ये हमारे चमोली के जो नंदा नोटी साइट है, तो ये लोग नोटी साइट के हैं, नोटी के नोटियाल हैं। और फिर यहाँ से है लगभग ऊपर 2-3 किलोमीटर है, ये मेन गेट है संतरा देवी का, तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर ऊपर है, खड़ी चढ़ाई है। तो आप लोग अगर आपको आना है तो आप कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ये टेंपल जो है वो 12 मास खुला रहता है, तो आप लोग अगर माँ संतरा देवी के आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम पे यहाँ पे आ सकते हैं। और बाकी जो संतरा देवी का जो मेन मंदिर है, जो पौराणिक कथा है, जो भी है ऐतिहासिक कथा है, वो इस बोर्ड में लिखा हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय माता दी।